हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट पाट होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जो फैलों के पेयर था, ये वाइट वाला, इन्होंने एग दिए थे तो माशाल्लाह इन्होंने बेबी भी निकाल दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से। अभी मैंने जब देखा तो एक बच्चा निकला हुआ था, तो देखते हैं अभी कितने बच्चे इन्होंने निकाले हैं। और माशाल्लाह इन्होंने 5 या 6 अंडे दिए थे। आप देख सकते हैं ये मेल बाहर बैठा हुआ है, ये वाले भी जो फैलों का पेयर है मेल बाहर बैठा हुआ है, बाकी दोनों जो फीमेल हैं वो मटकी के अंदर हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चे इसके कैसे हैं। व्यूअर्स, मोबाइल अंदर आ चुका है कैमरा। ये मेल है फैलों में, उसकी फीमेल दिखाते हैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक बच्चा, 2 से 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये अंडा टूटा हुआ है, अभी अभी ये बच्चे निकले हैं माशाल्लाह। हैचिंग टाइम हुआ, ये अभी अभी ये बच्चा निकला है। आप देख सकते हैं अंडा भी पड़ा हुआ है, देख सकते हैं माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। क्या पता इसके नीचे और भी हों, ये हट नहीं रही अभी। तो व्यूअर्स, आपके सामने फैलों के पेड़ ने अंडे दिए थे, मैंने आपको दिखाया, और माशाल्लाह बच्चे भी निकाल दिए हैं इस पेड़ ने। देखते हैं फीमेल अपने बच्चों को छुपा रही है। इसने मटकी में बाजरा भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये एक अंडा जो टूटा हुआ पड़ा है, इसी के अंदर से एक बच्चा निकला है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है मेरे ख्याल से। आप देख सकते हैं कितना छोटा बच्चा है। व्यूअर्स, इसकी माँ अपने बच्चों को छुपा रही है। आप देख सकते हैं 2 से 3 बच्चे हैं, क्योंकि 2 तो दिख रहे हैं, क्या पता इसके नीचे भी हों, क्या पता और अंडे भी हों। तो ये हट नहीं रही है, इसको हटाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ मैं। हट जाओ भाई, व्यूअर्स से गुस्सा हो रही है। आप देख सकते हैं पर फुला लिए इसे, तो मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि उसने माशाल्लाह से बच्चे निकाले हैं। इस पेयर का देखते हैं इसने बच्चे निकाले या नहीं। इसने भी तकरीबन एग दिए हुए तकरीबन 15 दिन हो गए, मैं कह दिया 15 से 20 दिन हो गए। अब देखते हैं क्या पता इसने निकाले हैं या नहीं बच्चे। तो चलिए मोबाइल अंदर लेके चलते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसने भी अंडे दे दिए हैं। 5 6 अंडे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं फैलों की फीमेल है, ये परेशान हो रही है थोड़ा, तो हट जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि 6 अंडे पड़े हुए हैं, इनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, वरना तो ये अंडे भी तोड़ देते हैं। तो गाइस, आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा देख लिया करें क्या प्रोग्रेस चल रही है मटकी में क्या है। अब रोज़ रोज़ देखेंगे तो तोता भी परेशान हो जाता है, फिर तोते को भी गुस्सा आता है, वो भी अंडे या बच्चे मार देता है, अंडे तोड़ देता है। और व्यूअर्स, आपने देखा फैलों के पेयर ने, एक पेयर ने अंडे दिए हैं और एक माशाल्लाह ने इस पेयर ने बच्चे भी निकाल दिए हैं। आपको मैं वापस दिखाता हूँ कि मारी हट नहीं रही, फीमेल जो है वो अपने बच्चों को छुपा रही है। तो मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि इसको हटाऊँ। बाकी आप ये देख सकते हैं मेल, ये भी थोड़ी सी ये एक ही साथ बैठे रहते हैं दोनों, बाकी फीमेल दोनों अंदर ही, देखें वो बाहर आई थी, अंदर चले गई। तो चलिए इसके बच्चे देखते हैं वापस, कितने बच्चे हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बैठी हुई है, अंडे फेंक रही है, बच्चों को भी थोड़ी गरमाइश दे रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इनकी आंखें, आप देख सकते हैं पता चल रहा है कि रेड आइज, क्योंकि फैलो रेड आइज होते हैं, आपको छोटी सी उम्र में ही पता चल जाएगा कि ये रेड आइज है। आपको दिख रही होगी इनकी आंखें रेड रेड, ये फीड करवा रही है, आप देख सकते हैं अपने बच्चों को।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये बच्चे को कैसे फीड करवाती है माँ, एक एक दाना खिला रही है अपने, और इसका आपको पेट भी दिख रहा होगा येलो येलो जो है, ये इसका खाना है। तो व्यूअर ये हट नहीं रही, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि फीड करवा रही है। तो इसको फीड करवाने दें, आपको इसका पेट भी दिख रहा होगा छोटा सा येलो येलो जो, ये इसका खाना है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि फैलो के पेड़ ने माशाल्लाह से बच्चे निकाले हैं। ये तो एक अंडा जो टूटा हुआ है इसमें से अभी अभी बच्चा निकला है, तकरीबन थोड़ी ही देर हुई है क्योंकि अभी अंडा बिल्कुल सही पड़ा हुआ है, वरना थोड़ा टाइम होता है तो अंडा टूट जाता है, या तो मादी तोड़ देती है फेंक देती है। तो व्यूअर्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। माशाल्लाह फैलो के पेड़ ने बच्चे भी निकाल दिए और एक पेड़ ने एग भी दिए हुए हैं। तो ये अभी बच्चे बड़े होंगे मैं आपको वापस दिखाऊँगा। मैंने आपको बताया था कि मैंने रमज़ानों से पहले लिए थे शायद, और इन्होंने अब ब्रीड करी है, फर्स्ट ब्रीड पट्टे लिए थे मैंने, तो इन्होंने फर्स्ट ब्रीड करी है दोनों ने। इसमें तो अभी बेबी नहीं निकाला है, अले पैर ने माशाल्लाह इसने निकाल दिया है। तो ये मैंने रमज़ानों से पहले लिए थे, तो मैंने इनको थोड़ी देर रेस्ट भी दिया था, और जून जुलाई का महीना भी चल रहा था तो मैंने इनको थोड़ा रेस्ट दिया था। मैंने अभी मटकियाँ लगाई थी तो माशाल्लाह इन्होंने फ़ौरन मटकी में गए और इन्होंने अंडे बच्चे कर दिए। तो व्यूअर्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सी अमान अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।